गुरुवार को बेतियाहाता स्थित पशुधन प्रसार अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश कार्यालय पर संघ के नव निर्वाचित पदाधिकारियों अध्यक्ष त्रिभुवन नारायण सिंह, उपाध्यक्ष आशीष कुमार यादव, महामंत्री घनश्याम कन्नौजिया, ऑडिटर हरीश चंद त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष आनंद भारती, संगठन मंत्री शिव मंत्री त्रिपाठी और संयुक्त मंत्री विजय नारायण पांडे व अन्य सदस्यों ने माल्यार्पण कर सम्मानित किया। तत्पश्चात सभी पदाधिकारियों को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रूपेश श्रीवास्तव ने शपथ ग्रहण कराया। इस अवसर पर नितेश कुमार सिंह, रविंद्र कुमार यादव, रूपेश श्रीवास्तव सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अध्यक्ष पशुधन प्रसार अधिकारी संघ त्रिभुवन नारायण सिंह ने कहा, अगर स्टेट गवर्नमेंट के सभी कर्मचारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मतगण, जिस तरह विधान निश्चित तौर से संगठन की अपनी एक गरिमा है और सब किया है, खेत विभाग भत्ते पालन के भी काम करूंगा, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मतभेद हो और ईश्वर हमारी मदद करें। धन्यवाद, इस तरह से आपका शपथ ग्रहण का आग्रह। त्रिभुवन नारायण सिंह, पशुधन प्रसार अधिकारी संघ के अध्यक्ष। मैं पशुधन प्रसार अधिकारियों के हितों के लिए अंतिम सांस तक उनकी हकों और उनकी मांगों को जो है यहाँ जिलाधिकारी महोदय या सीईओ महोदय के यहाँ जो है उठाऊंगा, उनकी समस्याओं को और जो भी और समस्या है, हमारे प्रांतीय महामंत्री जी आए हुए हैं, वह उनके माध्यम से जो है प्रांत में भी उठाऊंगा, उनकी हर समस्याओं को जो है उठाता रहूंगा। मुख्य प्राथमिकता ये है कि पशुधन प्रसार अधिकारियों का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो है पशुधन प्रसार अधिकारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, वह बंद होगा। हर पशु औषधालयों और हर पशु सेवा केंद्रों पर जो है उचित मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ, यही मुख्य प्राथमिकता होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार विभाग में जो है पशुधन प्रसार अधिकारियों के ऊपर अवैध रूप से जो वसूली की जा रही है, उसके लिए हम जहां तक लड़ाई होगा लड़ेंगे, उसको तत्काल बंद करने के लिए शासन से मांग करेंगे। जय हिंद।